जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी खास रहने वाली है उन भाइयों के लिए जो एसएससी जीडी के फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं और 18 तारीख से फिजिकल स्टार्ट हो चुके हैं। आपको पता ही है ये वीडियो हिसार की है जो बीएसएफ कैंप में फिजिकल करवाई जा रही है एसएससी जीडी की। तो इसमें सभी जो बीएसएफ के जवान हैं वो सहयोग कर रहे हैं, पूरा बच्चों का हौसला अफजाई कर रहे हैं। और साथ में आपको बता दूं, जब आप सुबह सुबह जाएं तो जितना जल्दी हो सके आप एंट्री करवाएं ताकि आपको जितना जल्दी हो सके आप वहां से फारिग हो सकें, अपना फिजिकल कंप्लीट कर सकें। और जितना, जैसे कि आपको पता ही है कि गर्मी हो गई है काफ़ी ज़्यादा, तो इसके कारण जो वो 12 बजे या 1-2 बजे भी भगा देते हैं। तो आप इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हमेशा ये ध्यान में रखें कि सुबह जल्दी जाकर अपना फिजिकल के लिए लाइन में लग जाएं और पहले बैच में दौड़ने की कोशिश करें ताकि आप जल्दी से अपना फिजिकल क्वालिफाई कर सकें और किसी तरह की कोई गर्मी की कोई प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। दूसरी बात, अगर आपका थोड़ा लेट हो जाता है तो एंट्री, तो आप अपने साथ अपना खाना पीना साथ में लेकर जाएँ। खाने पीने का मतलब कि अपने साथ कोई फ्रूट और चॉकलेट वगैरह लेकर जाएँ ताकि आपकी रनिंग में कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े और अपना रिकवरी अच्छी तरह से लेकर जाएं। और साथ में पानी की बोतल जरूर लेकर जाएं ताकि आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, कमज़ोरी ना महसूस हो और बार बार आपका गला ना सूखे। और साथ में आप अपने साथ इलेक्ट्रोल भी ले सकते हैं साथ में और थोड़ा प्री वर्कआउट, तो जो आपने 10 मिनट पहले अपना रनिंग से अपना यूज़ करना है ताकि आपकी रनिंग अच्छे से क्वालिफाई हो सके, आपकी अपना 100% आप दे सकें। और उसके बाद जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर जो रोड रनिंग है इसमें बच्चों का हौसला अफजाई कर रहे हैं जो सेना के जवान हैं। और भाइयों आपको एक बात बता दूं, जो 5 किलोमीटर की रनिंग है रोड रनिंग, इसमें मतलब 24 मिनट में बिल्कुल आसानी से लग जाती है। अगर आपने एक मंथ भी अच्छे से वर्कआउट किया है, नॉर्मली वर्कआउट भी चल जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब जो इसका ओवर वेट है उसको तो थोड़ा मुश्किल हो जाती है, लेकिन जिसकी बॉडी इतनी मतलब कि ओवर वेटिंग में नहीं है, लेकिन वो आराम से अपना फिजिकल आसानी से निकाल सकता है। बस अंदर आपके कॉन्फिडेंस होना चाहिए और अपना एक ऐसा लक्ष्य लेकर दौड़े कि हमने एक कामयाबी की तरफ अपनी राह बना रहे हैं, तो अपने स्टेप टू स्टेप अपने चलना है। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारे जो बीएसएफ के जवान खड़े हैं यहाँ पर, यहाँ से फिनिशिंग लाइन होगी, यहाँ से क्रॉस करने के बाद आपकी फिजिकल क्लियर हो जाएगी। अगर पूरे 24 मिनट के बाद ये जवान उनको पकड़ लेंगे जो मतलब कि जिनकी टाइमिंग 24 मिनट के ऊपर हो जाएगी, तो ये हमारी फिनिशिंग लाइन है जहाँ पर बच्चे यहाँ पर क्वालिफाई हैं, जितने भी बच्चे यहाँ पर इस साइड खड़े हैं और जो ये दौड़ कर आ रहे हैं। अभी टाइमिंग थोड़ा नज़दीक आने वाली है तो लास्ट की फिनिशिंग लाइन है ये। आपको एक बात और बता दूं, जब भी आप दौड़ते हैं तो हमेशा ये बात ध्यान में रखें कि एक ऐसे पेस पर दौड़ें जिसमें आपकी बॉडी का 70 से 75% जोर लगे और बिल्कुल ज़्यादा एफर्ट पर नहीं दौड़ना आपको, ताकि आपको यानी कि 2 या 3 किलोमीटर चलने के बाद आपको बिल्कुल हाँफना स्टार्ट कर दें। तो हमेशा ऐसे पेस में दौड़ें जिसमें आपको ना तो ज़्यादा फास्ट हो ना ज़्यादा स्लो हो, तो अपना एक ऐसा पेस अपने बॉडी के हिसाब से दौड़ें। और साथ में जो बच्चों को प्रोवाइड की जा रही है एम्बुलेंस, ताकि कोई किसी तरह की कोई बच्चे को किसी तरह की कोई इंजरी या कोई मेडिकल जरूरत पड़े तो अपना प्रोवाइड करवा सकें। और आप कंटिन्यू ऐसे दौड़ते रहेंगे तो आप आसानी से अपना 24 मिनट के अंदर आसानी से कर सकते हैं अपना फिजिकल, कोई बड़ी बात नहीं है। बस थोड़ा सा अपने अंदर से डर निकल कर जाएं और प्री वर्कआउट की डोज ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि इससे थोड़ा आप क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो मतलब कि लेट अपना तैयारी करना स्टार्ट किया है और उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी होगा अंदर से, जो उनका एक जो उसके प्री वर्कआउट के अंदर कैफीन होता है उसको माइंड को इतना कंट्रोल में कर लेता है कि अपना एफर्ट लगाना में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती। तो आप कंटिन्यू दौड़ते रहें और अच्छा रोड है, कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें मतलब कि बच्चे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। आप कंटिन्यू बस अपना पेस बनाकर दौड़ें और किसी की बच्चे के साथ ना दौड़ने की कोशिश करें, क्योंकि जो बच्चा काफ़ी 2-3 महीने से अपना तैयारी कर रहा है, आप 1 महीने के
तैयारी करने के बाद उसके साथ अपना कॉम्बिनेशन बनाने की सोच रहे हैं, तो वो बहुत गलत है। तो ये हमेशा ध्यान में रखें, अपनी बॉडी के हिसाब से दौड़ें और लंबा दौड़ें, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और लास्ट की जब फिनिशिंग लग जाए तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि हमारी टाइमिंग चली हुई है, हमने 24 मिनट के अंदर मारनी है, तो अपना 100% जितना हो सके, बिल्कुल जब ऐसे लग जाए कि फिनिशिंग लाइन वहाँ पर पहुँचने वाले हैं हम, तो अपना 100% जोर लगा दें, ताकि आपको किसी तरह की कोई खामियों का नतीजा ना भुगतना पड़े। आपको दिखाया जाएगा कि लास्ट में देख किस तरह से बच्चे रह जाते हैं, वो अंदर जाने के लिए कितना गिड़गिड़ाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं जवानों से, वो भी दिखाया जाएगा आपको। आप इस वीडियो से जुड़े रहें। बहुत से लड़के ऐसे गलती करते हैं जो लास्ट के जो स्टार्टिंग का पेस है वो बिल्कुल नॉर्मल लेकर चलते हैं, वो सोचते हैं कि मतलब कि हम ज़्यादा थक जाएंगे, धीरे धीरे स्लो स्लो दौड़ लें, वो सबसे बड़े ज़्यादा बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि हमें इस ऐसे पेस पर दौड़ना होता है कि हमें टाइम के मुताबिक चलना होता है। तो ऐसे पेस पर दौड़े जिसमें आपकी बॉडी ज़्यादा स्लो ना हो और ज़्यादा फास्ट ना हो, और जिसमें ज़्यादा एफर्ट ना लगाने पड़े। अपनी जो ब्रीथिंग है उस पर अपना थोड़ा कंट्रोल रखें, सांस पर कंट्रोल रखें, ताकि आपको ज़्यादा मतलब सांस ना चढ़े, और अपनी 5 किलोमीटर अच्छे से कंप्लीट कर सकें आप। हाथों का मूवमेंट ज़्यादा ना करें, क्योंकि आपकी जो हाथों की मूवमेंट करेंगे तो आपकी बाजू जब भर जाएंगी और अपनी मतलब कि कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा। और जो बच्चे मतलब कि नंगे पैर दौड़ने की आदत बना रखी है, तो वो यहाँ पर रोड पर ना दौड़ें, क्योंकि इसको प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि 5 किलोमीटर इतनी गर्मी में रोड बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिससे आपके पैरों में दिक्कत आना नॉर्मली बात है। अब ये टाइमिंग काफ़ी क्लोज आ गया है, अब यहाँ से पकड़ना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर 24 मिनट हो गए हैं, यहाँ पर बच्चे बुला लिया है जिनका टाइमिंग हो गई है 24 मिनट। अब देखो कैसे रिक्वेस्ट करेगा यहाँ पर बच्चे। ये 24 मिनट के अंदर जितने बच्चे आ गए उनके फिजिकल क्लियर हो गया है, जो बाकी हैं ये अभी आ रहे हैं उनका डिसक्वालीफाई हो गए हैं ये बच्चे। तो देखना एक एक सेकंड कितना कीमती होता है आपके लिए, आप थोड़ा सा एफर्ट लगा कर दौड़ें और अंदर से एक डर निकालें, क्योंकि एक कामयाबी की राह पाने के लिए आपको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा, वो आपकी कमी ही रहती है। आप टाइम टू टाइम आपने फिजिकल की तैयारी नहीं की, तभी आज आप इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाए। अब देखना किस तरह अपना रिक्वेस्ट कर रहे हैं अंदर जाने के लिए, लेकिन इनकी ड्यूटी पर भी सवाल आ जाएगा अगर ये अंदर ऐसे जाने दें तो, क्योंकि इन्हें जो टाइमिंग दे रखी थी अगर उसमें आप नहीं बढ़ सकते तो आपकी कमी है इसमें, इन जवानों की नहीं है।